नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 150 वो क्वेश्चन साइंस के जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक वलियों को गिनकर पौधों की आयु की गणना की जाती है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय और फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। शरीर में रक्तल्पता की बीमारी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शरीर में रक्तल्पता की बीमारी को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो क्षय रोग अर्थात TB से बचाव करने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो ओ वर्ग जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन का एक स्वरूप होते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है, इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम जो है पौधों में जल के परिवहन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर में रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं? तो वनों के विकास का अध्ययन करने वाली शाखा सिल्वी कल्चर कहलाती है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑलेरी कल्चर साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। वार्षिक वलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक वलय, जिसको गिनकर पौधों की पेड़ों की आयु का पता करते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती करना वृक्ष संवर्धन कहलाता है। सभी कवक कैसे होते हैं? तो सभी कवक फफूंद अर्थात सदैव विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, SSC और रेलवे में पूछे गए हैं, तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो मशरूम से। लिटमस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल का मिक्सचर होता है लाइकेन, जिसमें से लिटमस निकाला जाता है। अनुवांशिकी किसकी इकाई है? अनुवांशिकी जीन की इकाई होती है। जीन क्या होते हैं? तो जीन DNA का एक भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोजोमों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोजोमों की संख्या 23 होती है।
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रित क्या होता है? तो एक्स और वाई मिलने से नर का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है। नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किससे वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। मनुष्य ने कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से बालक का जन्म होता है। अशुद्ध रक्त शरीर में किस में बहता है? तो शिराओं में अशुद्ध रक्त शरीर के अंदर बहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंतरिक ग्रंथि सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर की यकृत कहलाती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन नाम के हार्मोन का मनुष्य में मादा जनन अंग से स्त्रावण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? तो जल से प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण या ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम, इसके कारण मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? तो कूटपात के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। गाजर को आप किसमें व्यक्त करेंगे? तो गाजर एक रूपांतरित जड़ है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो हम आलू का रूपांतरित तना खाते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों के रूप में पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करती है। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो रूपांतरित तना प्याज का खाने योग्य भाग है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो शिकोआ नाम का वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त करते हैं? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस एक प्रकार की घास है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होते हैं? तो जैट्रोफा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको आप रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। जैव ईंधन अर्थात बायोडीजल प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंद इसका सही उत्तर हो जाएगा, पादप रोगों में सबसे उत्तरदायी कारक होता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी कैसे बनाया जा सकता है? तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरे में होने वाला रोग है हरित बाली रोग। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का मूंगफली में होता है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैंने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग है नींबू का कैंकर रोग। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। करनाल बंट किस प्रकार की बीमारी है? तो गेहूं की फसल में होने वाली बीमारी है करनाल बंट। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वंशागति से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन वंशागति की इकाई मानी जाती है। जीन्स किसके बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं जीन्स। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो बैटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोजोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? तो बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता शब्द गढ़ा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में टोटल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ में पाई जाने वाली फीमर हड्डी, जिसको उरु हड्डी भी बोलते हैं, सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है?
तो एंजाइम की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्त दाब घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन कितनी बार होता है, तो 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या असर पड़ता है, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम क्या है, तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है, तो प्लीहा रुधिर बैंक का काम करता है मानव शरीर में, जिसको आप स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो प्लीहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं, तो इरिथ्रियोसाइट नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप बता सकते हैं तो। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना शरीर की सफ़ेद रक्त कणिकाओं अर्थात WBC का काम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है, तो सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरिन का पीला कलर किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोक्रोम के कारण मनुष्य के यूरिन का कलर जो है पीला होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित रहती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेवी रेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। जीव विज्ञान शब्द के जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के लिए थियोफ्रेस्टस सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकर रोग होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो रेबीज नामक रोग कुत्तों के द्वारा फैलता है। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो सेब में लोहा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं, तो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है, तो पाचन में सहायता करता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है, तो वृक्क अर्थात किडनी मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी अंग होता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो रिटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, तो टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली सबसे पहले प्रस्तुत की थी। इकोसिस्टम को 2 घटक मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, तो जैविक और अजैविक इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न होते हैं, रेड डाटा बुक उनके बारे में जानकारी देती है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध माना जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके प्रति विरुद्ध के स्वरूप किया गया था, तो वनों की कटाई के लिए चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध किया गया था। चिपको आंदोलन से कौन से व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण मैत्रीपूर्ण होते हैं, इको मार्क उनके लिए दिया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहनिकाओं को क्या कहते हैं, तो शिराएं जो हैं शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहनिकाएं हैं। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहनिकाएं क्या कहलाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं धमनियां। एक सामान्य
मनुष्य जो युवा मनुष्य है उसका रक्तचाप कितना होता है, तो 80 120 या 120 80 mm पारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या 206 होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर कहलाती है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कहाँ से होता है, तो अधिव्रक ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है, तो मनुष्य का जबड़ा शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी होती है। नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग दान में प्रयुक्त किया जाता है, तो कॉर्निया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना इसका सही उत्तर हो जाएगा। आँख का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आयरिस का क्या काम होता है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना, बड़ा या छोटा करना आयरिस का मुख्य काम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 36.9 डिग्री मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है सेंटीग्रेड में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राफ का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में करते हैं, तो ये मस्तिष्क के लिए प्रयोग किया जाता है ईईजी। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन को परिवहित करना शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर जो कि जांग में स्थित होती है, मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो 4 से 5 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है, तो सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्खन पनीर और दूध को दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये सभी जो है फैट वसा प्रदान करने वाले अवयव हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कैसे रहती है, तो इंसुलिन के कारण रहती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटे हो जाने के कारण आँखों में दूरदृष्टि की बीमारी होती है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। खसरा रोग का कारक क्या है, तो विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का रोग होता है, तो पैंक्रियास की खराबी से मधुमेह का या शुगर का रोग होता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो पीलिया जो है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। शरीर के अंदर लोह की कमी उत्पन्न करने वाला रोग कौन सा है, तो लोहे की कमी से होने वाला रोग रक्तहीनता इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। कुनेन किस रोग की दवा है, तो मलेरिया के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है कुनेन। फेफड़े का आकार कैसा होता है, तो फेफड़े का आकार शंकुआकार होता है। प्लेग के लिए उत्तरदायी जीव कौन सा है, तो चूहे के कारण प्लेग रोग फैलता है। कौन सा तत्व प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा पैदा करता है, तो वसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा के मुख्य अंश क्या होते हैं, तो मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्यतः जल होता है, तरल होता है। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है, तो रक्त के माध्यम से शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद में से हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। मुख्यतः शहद में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन के कारण शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 42 से 46% तक सोयाबीन में प्रोटीन होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो फंक के द्वारा विटामिन शब्द प्रतिपादित किया गया था। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत अर्थात लीवर में, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है, तो आंवला इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारी त्वचा कौन सा विटामिन
हमारी त्वचा कौन सा विटामिन पैदा करती है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। ये आपका एक क्विक रिवीजन था, साइंस के क्वेश्चंस का बेसिक रिवीजन मैंने करा दिया। धीरे धीरे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये कैटेगरी पर डे प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका साइंस पूरी तरीके से कवर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी आपके दोस्त रिवीजन कर सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। साइंस की क्लास रोज़ शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक होती है, आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें, जिससे जब भी मैं चैनल शुरू करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और सबसे पहले आप क्लास में जुड़ जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं अगर आपसे आंसर बनते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।